विद्यार्थी मित्रों, आजे अपने धोरण छ नू बीजू काव्य हिंद माता ने संबोधन करीशू। हिंद माता ने संबोधन काव्यना कवि छे मणिशंकर रत्नजी भट्ट। मणिशंकर रत्नजी भट्ट ने कवि कांत तरीके पण ओळखवामां आवे छे। मणिशंकर रत्नजी भट्टनो जन्म 20/11/1867 में थयो हतो अने तेमनुं मृत्यु 16/6/1923 में थयो हतो। मणिशंकर रत्नजी भट्टनो जन्म अमरेली जिल्लाना काठी पासे आवेला चंवट गाम में थयो हतो। मणिशंकर रत्नजी भट्ट घणा काव्यो लख्या छे, एमानुं एक काव्य हिंद माताने संबोधिन छे, जे देशभक्ति गीत तरीके पण ओळखाय छे। हिंद माता आ काव्य में हिंद माता एटले के भारत माता ने संबोधन करवामां आव्युं छे। भारत माता बधाज बाळकोने समान रीते पोषण करे, जे पछी हिंदू होय, मुस्लिम होय, ईसाई, ख्रिस्ती कोई भी होय, हरेक व्यक्ति ने सारी रीते अने खानपान आपीने पोषण करे तेवी आमां प्रार्थना करवामां आवी छे। चलो हवे आपणे काव्य विशे समझूती मेळवीशुं। ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा, करिए मळीने वंदन स्वीकार जो अमारा। आ पंक्ति में कवि कहवा मांगे छे के ए हिंद माता, अमे सौ तमारा संतान छीए अने अमे सौ मळीने तमने वंदन करीए छीए, तो तमे अमारा वंदन स्वीकारजो। हिंदू अने मुसलमान, विश्वासी पारसी जैन, देवी समान रीते संतान सौ तमारा। आ पंक्ति में कहेवामां आव्युं छे के हिंदू होय, मुसलमान होय, विश्वासी होय, पारसी होय के जैन होय, कोई भी जातिनो व्यक्ति होय, ए भारत माता माटे संतान सौ समान छे। हिंदू अने मुसलमान, विश्वासी पारसी जैन, देवी समान रीते संतान सौ तमारा। कोई भी जातिनो संतान होय ए समान छे। पोषो तमे सहुने शुभखान पान बक्षी, सेवा करे बने ते संतान सौ तमारा। आ पंक्ति में कहेवामां आव्युं छे के भारत माता, तमे अमने लोकोने खानपान बक्षीने पोषो अने अमने एवी शक्ति आपो के अमे तमारी सेवा करी शकीए अने अमे तमारा संतानो बनी रही शकीए। रोगी अने निरोगी, निर्धन अने तवंगर, ज्ञानी अने निरक्षर संतान सौ तमारा। रोगी होय के निरोगी होय, निर्धन होय के तवंगर होय, ज्ञानी होय के अज्ञानी होय एटले के निरक्षर होय, बधा ज संतानो भारत माता माटे समान छे। निर्धन एटले के जेमनी पासे धन ना होय, तवंगर एटले के जेमनी पासे पैसा होय, ज्ञानी एटले के जेमनी पासे ज्ञान होय अने निरक्षर एटले के जे निरक्षर होय एटले के जेमनी पासे ज्ञान ना होय। वाल्मीकि व्यास नानक, मीरा कबीर तुलसी, अकबर शिवाजी माता संतान सौ तमारा। वाल्मीकि व्यास नानक, मीरा कवि आ बधा ज कविओ अने देशभक्तो थई गया छे, ए पण भारत माताना संतानो छे। सौनी समान माता, सौए समान तेथी, ना ઊંચ નીચ કોઈ સંતાન સૌ તમારા। આ પંક્તિમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સૌની સમાન માતા છે, ભારત માતા છે એ સૌના સમાન રીતે માતા છે, એમના માટે કોઈ ઊંચું નથી કે કોઈ નીચું નથી, સંતાનો બધા જ એમના માટે સમાન છે। ચાહો બધા પરસ્પર, સાહો બધા પરસ્પર, એ પ્રાર્થના કરે આ સંતાન સૌ તમારા। આ પંક્તિમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બધાને પરસ્પર એકબીજાને પ્રેમ આપવો જોઈએ, બધાને એકબીજા પરસ્પર સહકાર આપવો જોઈએ, એવી પ્રાર્થના અમે તમને કરીએ છીએ।